हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज मेरी गुड मॉर्निंग मतलब मेरा व्लॉग हो रहा है सुबह से। गुड मॉर्निंग तो सुबह ही होती है, लेकिन व्लॉग जो अभी सुबह से बनाना शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर कपड़े धुले थे मैंने और मेरी मशीन जैसी भी है यही है। इसमें से ना नीचे एक्चुअली पाइप को ऊपर रखो तो पानी थोड़ा सा नीचे गिर जाता है, तो वो ही मैं वहाँ से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये फ्लोर ऐसा है कि अगर गिर गए तो सर फूट जाएगा। तो यहाँ पर बकेट वगैरह जो है वो खाली करनी थी, और मेरे को मशीन में ड्रायर में अभी कपड़े रखे हुए हैं जो मुझे सुखाने के लिए लेकर के जाने हैं अभी। तो मैं सबसे पहले कपड़े सुखा करके आऊँगी, क्योंकि इतने में कपड़े सुखाने रखूँगी वहाँ पर सूख जाएंगे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ आती है। तो जल्दी ड्रायर वाले कपड़े तो वैसे भी बहुत जल्दी सूख जाते हैं। उसके बाद में ये मशीन वगैरह मुझे अंदर रखनी है, और साथ में यहाँ से सफाई करनी है। तनु की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, दुकान पर खाना जो है वो मैं देख कर के आ गई। सुबह भी मतलब 11 बज रहे हैं, 11 के करीब, तो दुकान पर खाना देने चली गई थी। और यहाँ पर गौरी सोई हुई है, और इसको मैं ना कपड़ा उड़ा रही थी, क्योंकि ना हल्का जब सोते ना आजकल ठंडा ठंडा सा लगता है, तो मैंने कहा बच्चा सो रहा है तो उसको सुला देना चाहिए अच्छे से। और साथ में ये रख दिया है मैंने ताकि उसको लगे कि हाँ आसपास में कोई है। और इसके बाद में मैं अपनी बकेट उठा के जाऊंगी, बकेट को बाहर लेकर के कपड़े सुखाने के लिए। तो यहाँ पर अब पर्दे वगैरह जो है हटा दूंगी। बाहर की वीडियो इसलिए नहीं बना पाई, धूप बहुत तेज है। और गौरी से मिलिए, ये हैं मेरी गौरी, गौरी अग्रवाल। यहाँ पर मस्ती चल रही है इनकी, खेला खेली हो रही है। वो ये अपने गाने चलाने होते हैं, देखना होता है, खेलना होता है, मस्त होना होता है। बच्चों का सबसे बड़ी टेंशन फ्री लाइफ है ये, दूध पियो। और मेरा बेटा यहाँ पर गिरने से बच गया था, वो एक्चुअली उधर देखता जा रहा था और गिरने लग गया। बच्चों के साथ होता है ऐसे ही। तो अब यहाँ पर मस्ती चल रही है बैठ करके, ये देखो वहाँ जाएंगी गाना सुनेंगी, फिर वापस आ जाती हैं। पोयम चलती है तो पोयम सुनती हैं, अदरवाइज वापस आ जाती हैं। तो ये देखिए, इसको ना कीबोर्ड छेड़ने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है, तो अब हमें पीछे करके रखना पड़ता है। अब इसका कहीं और सिस्टम करना पड़ेगा, इसको मज़ा आता है माउस और कीबोर्ड, इसका हाथ पहुँचने लग गया है ना गौरी का, इसलिए। तो मैं गौरी को बोल रही थी, मैंने कहा बेटा मत छेड़ो इसको। तो यहाँ पर उसने रख तो दिया है, हालांकि मैं बोल रही थी बेटा डांस करना है तो डांस कर लो। और आज मैं दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या लेकर के आए हैं, करवा चौथ की तैयारी। देखो करवा चौथ पर गिफ्ट देते हैं हर बार, तो इसलिए आज अलग से ही मेरे को पहले ही ला करके दे दिया उन्होंने, ये कुर्ती लेकर के आए हैं। ऐसी कुर्तीज मुझे बहुत पसंद है, तो ये वाली कुर्ती है, रेड कलर की है, प्रिंटेड है, और मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई मुझे ये वाली कुर्ती। हालांकि वो अपनी पसंद से लेकर के आए हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि मेरे लिए कोई गिफ्ट आए। तो 10 साल में अब लेकर के, बीच में छोटा मोटा तो आता रहता है, लेकिन इस तरीके की कुर्ती उन्होंने पहली बार ली है। गिफ्ट आता रहता है, लेकिन कुर्ती इस तरीके की पहली बार लेकर के आए हैं। इनको ऐसी कुर्तीज पसंद हैं, लेकिन कई बार जेंट्स का होता है ना मार्केट नहीं जा पाते हैं, तो ना मीशो से ली है, ना अमेजोन से ली है, ना फ्लिपकार्ट से ली है, ये सिर्फ लोकल मार्केट से ली है। काफ़ी अच्छी है, फ्लेयर्स वाली है, पॉकेट के साथ में है, बहुत अच्छी लग रही है। तो उन्होंने वीडियो देखते ही हैं, तो थैंक यू आपने ये लिया मेरे लिए। और इस तरीके से इसकी लेंथ है, फ्रंट ओपन इन्होंने इसको कराया है अभी गौरी की वजह से, तो मैं इसको यहाँ पर लगा करके आपको दिखाती हूँ। थोड़ा धुंधला आ रहा है, और तन्नु ने कैमरा पकड़ा हुआ है, इनका चलो मैं लगा करके दिखाती हूँ। रेड कलर तो वैसे भी अच्छा लगता है, कि चटक रेड नहीं है, एकदम अच्छा वाला रेड है। और तो ये देखिए अच्छे से दिखा रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी पसंद है। आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। तो आज इन्होंने मुझे बिना बताए मेरे को सरप्राइज़ दिया, ये बिना बताए चले गए शॉप पर लोक लगा करके। अब मैंने कहा दूसरी ये है तन्नू के लिए, तो सामने प्रिंट ढंग से नहीं दिख पा रहा है, और मैं वही बोल रही थी तन्नू से कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। फ्लेयर्स वाली है, मुझे भी बहुत पसंद है, तो तन्नू और मैं ये तो मिक्स करके पहन लेते हैं। तो चलिए ये देखो, मैं तन्नू को बोल रही थी मैं पास से, इस तरीके का प्रिंट है ये, वाइट कलर पर बहुत प्यारा सा प्रिंट है, बहुत सुंदर लग रही थी ये भी। और तन्नू ने पहनी तो जब भी बहुत अच्छी लग रही थी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसे मिली। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बीच में मैं बोल रही हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्लॉग आपको मिलते हैं इसी चैनल पर ही, अभी तो मिलेंगे, तो टेक केयर, आगे मिलती हूँ दुकान पर। 15 करोड़ मायने रखते हैं क्या? 15 करोड़ मायने रखते हैं? वो तो ऐसी एस्टिमेट लगाया गया, लेकिन एक बात बताई गई है, रियलिटी में लोगों के पास जॉब नहीं है,
और ऑफर आ रही है तो ऐसी आ रही है कि 20,000 की जॉब पर 50,000 की करता था वो 30,000 पे मिलेगी भाई, करनी तो कर ले, 25,000 की मिलेगी, ऐसी सी जॉब में आ रही है, ऑफर आ रहे हैं। टाइम कितना हो रहा है अभी? टाइम हो गया 6:10, 10 मिनट 6 बजने वाले हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे, त्यौहार आ रहा है उसके बारे में बताओ। किस बारे में? त्योहारों के बारे में बताने। यार सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो त्यौहार आ रहे हैं, सीज़न आ रहा है, मतलब फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सबसे आपको अगर शॉपिंग करनी है ना, तो जो जितना हो सकता है पहले छोटे दुकानदार, जितने छोटे दुकानदार हैं उनसे उनकी उनसे ज़रूरत की चीज़ें खरीदिए पहले। बड़ी दुकानदारों से खरीदोगे या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करोगे, ऑनलाइन शॉपिंग में देखो सीधी सी बात है, जो चीज़ हम 400 रुपये की देंगे ऑनलाइन शॉपिंग में वो 500 रुपये की 600 रुपये की मिलती है, उसमें कमीशन वगैरह अमेज़न को कमीशन जाता है हर ऑनलाइन वाले, और ऑनलाइन इंडियन में कोई है ही नहीं, अमेज़न अमेरिका की है, मतलब ज़्यादातर सारे बाहर के ही हैं, आप उनको अमीर बना रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, उनको कमीशन दे रहे हैं। नेचुरल बात है यार, हम 400 की हम बेच रहे हैं, वो आपको 600 की देंगे, 100 रुपये अमेज़न की जेब में जाएंगे, 100 रुपये डिलीवरी का चार्ज लग जाएगा, दुकानदार की जेब में वही 400 रुपये जाने हैं कस्टमर। तो जब पति हीरे जैसा है तो वो क्या है कहते हैं उसको, धातु, वो तो पित्तल की धातु, सोना क्या है। अभी कस्टमर आ गए थे इसलिए बात अधूरी रह गई, और अभी ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि मेरी एक सोने की अंगूठी और गायब है। वो पता नहीं कहाँ है, मिलेगी कब मिलेगी। अभी एक कस्टमर आई थी ना, तो कितना नुकसान, 2.5 लाख का नुकसान बताया, 1.5 लाख की चेन और 50,000 के इयर रिंग। बात की अलग चीज़ है ना, एक चेन गुम हो गई और पता ही नहीं कहाँ गई, सब कुछ पता है अगर पर्स में रखी है। मैं कह रहा था भैया शॉपिंग करनी है तो प्लीज़ अपने आसपास के दुकानदार और छोटे दुकानदारों से शॉपिंग करें, पटरी वाले जितने बैठे होते हैं उनसे शॉपिंग करें, कुछ उनसे ज़रूर लें, क्योंकि दिवाली उनके लिए बहुत ज़रूरी है, इस साल की दिवाली तो बहुत ज़रूरी है सब और के जितना लिए। भी आप ऑनलाइन मंगाएंगे वो सब ऑनलाइन अगर आप मंगा रहे हैं तो वो बाहर की कंपनियों को आप पैसा दे रहे हैं, बाहर की कंपनियों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, अपने इंडिया के लिए क्या है, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल। इस बार दीपक जलाएं, तेल वाले दीपक जलाएं, क्योंकि सरसों का कुछ मत लगाइए, सरसों का तेल भी आपको पटड़ी वाले जो बैठते हैं ना, वो सरसों का तेल और दीपक और बत्ती सारे एक साथ सामान रखते हैं, और बहुत उम्मीद से बैठेंगे इस बार लोग ना, कि ये भी पता है बिल्कुल चौपट हुए पड़े हैं, बिल्कुल भी नहीं, हमें ही पता है हमारा किराया निकाल। आज कितनी सेल हुई है आप बताओ, आज कितनी सेल करके बैठे हो अभी तक? आज अभी तक कितनी सेल करके बैठा हूँ सच्ची सच्ची बताऊंगा, 225 और ये भी क्या दिया, एक 65 रुपये का 100। और शाम के 7 बज रहे हैं, शाम के 7 बज रहे हैं, मतलब 500 रुपये भी पूरे नहीं लेंगे, 490 रुपये में। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, हम लोगों का फिर भी किराया निकल रहा है, वही वो कहना चाहते हैं कि जो बिल्कुल रोड पे बैठे हुए हैं ना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब हम लोग फिर भी रोटी खा रहे हैं अच्छे से, घर में हैं, किराया निकल रहा है, एडजस्ट कर रहे हैं चारों तरफ से, लेकिन जो इस समय खर्चे, मतलब लोगों का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं है, सच में बहुत टेंशन हो रही है, तो इसीलिए हम लोग दिवाली का कुछ भी सामान नहीं रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग, हमारी दुकान है इसलिए बोल रहे हैं, जो लोग दिवाली का थोड़ा थोड़ा सामान बेचारे रिस्क लेकर के सदर मार्केट जा रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं, तो उन लोगों से तो ज़रूर खरीदें, खासकर कुम्हार जो इस टाइम पे हर दिवाली पे वेट करते हैं, और लेकिन हम लोग वो बाहर वाले जो क्या कैंडल्स वगैरह आती हैं वो लेते हैं, है ना, दिवाली के लिए लाइट वगैरह सब कुछ, तो इस बार दीपक हम लोग भी खरीदेंगे जितना हमसे होगा, सरसों का तेल वो रखते हैं, बत्ती वो रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो खुद बनाते हैं, और इस बार लोगों को पता है कि दिवाली अच्छी नहीं जानी है क्योंकि काम नहीं उठेगा, लोग बाग बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जिनके पास अभी भी पैसा है तो ऑनलाइन बहुत सेल हो रहा है, उन लोगों की इनकम हो रही है, लेकिन छोटे लोगों की बिल्कुल नहीं हो रही है। अभी देखो ना, हमारी छोटी नहीं है, बड़ी दुकान है, और 500 रुपये की सेल सुबह से लेकर शाम तक की बहुत बड़ी बात होती है, और डेली का ही एवरेज ऐसी ही जा रहा है, कभी होती है कभी नहीं होती है, बहुत मुश्किल हो रहा है। अब जब हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो उन लोगों को सोचो जो डेली उतना ही सामान लेकर के बैठते हैं कि हाँ हो जाएगा,
मुझे तो सबसे ज्यादा सब्जी वालों का लगता है यार, जब उनका खराब होता है ना। सब्जियां तो बहुत बिकती, सब्जियां तो बिकी रही है यार, सब्जी बिकती है लेकिन कितनी महंगी हो गई है सब्जी, बताओ। सब्जी बहुत महंगी हो चुकी है, सब्जी 70 रुपए किलो तो मूली हो रखी है हमारे यहाँ पे, बताओ। हम तो पराठे भी नहीं खा सकते। नहीं बनाऊंगी। 100 रुपए किलो शिमला मिर्ची है, क्योंकि मैं 250 ग्राम ही लेकर के आती हूँ, आलू डल जाते हैं उसमें। बहुत सारी चीज सब्जियाँ जो ऐसी हैं बहुत महंगी हो चुकी हैं। टमाटर 50 है, आलू 40 है, और प्याज भी 50 है, और बहुत सारी सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। भिंडी का तनु लेके आई थी कल, मेरे को नहीं पता है उसका भी ध्यान, तो बस यही है। अभी एक कस्टमर भी आई थी जिनका नुकसान हुआ है 1.5 लाख का, अभी रेगुलर कस्टमर थी, तो मैं उनसे वही पूछी थी, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, तो कह रही बहुत नुकसान हो गया। ऑफिस से चेन निकाल के पर्स में रखी है, मार्केट में गई है, वो पर्स कहीं निकाला ही नहीं है, और 1.5 लाख की चेन थी उनकी, 2.5 तोले की, तो वही सारे स्टोरी अभी बता रही थी। कह रही है लॉकडाउन में 50,000 की इयरिंग पहले खो गए और अब हो गया उनका अच्छे से काम। चलो भाई मेरे को थोड़ा सा सामान निकालना है दुकान से, मैं वो निकालती हूँ, फिर घर जाके मिलते हैं। कल कुछ नहीं। कल